चलिए हम हिरा से शुरू करते हैं। हिरा क्या सिखाएंगी भाई नाज़रीन को, कौन सी रेसिपीज? अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टफ्ड पोटैटोज के साथ। स्टफ पोटैटोज, तो पोटैटो के अंदर कुछ स्टफ करोगी या वो? हाँ, किसी में स्टफ करूंगी पोटैटो। नहीं नहीं, पोटैटो के अंदर कुछ स्टफ। अच्छा अच्छा अच्छा। पोटैटोज को बॉईल करके, हाँ, उसको मैश करके और फिर उसके अंदर स्टफिंग करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसके अंदर स्टफिंग होगी, वो पकौड़े टाइप बनेंगे, आलू के बटाटा कुछ टाइप? वो इट वुड बी मोर लाइक बेक्ड स्टफ, जैसे बेक्ड स्टफ होता है जैसे लज़ानिया का कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैश पोटैटो के अंदर कुछ छुपा, लेकिन हम वो बेक नहीं करेंगे। अब वो मैं वैसे वो बेक भी कर सकते हैं, आइडियल ये है कि आप 130 डिग्री पे उसको थोड़ी देर के लिए, लाइक 30 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए आप उसको बेक करो, आइडियल सिचुएशन है। लेकिन मैं फ्राइंग पैन में बनाना बताऊँ। अच्छा, ये तो सही है ना, हर किसी के पास नहीं होता ना। हाँ, तो ये कहाँ, सहरी में खाते हो और तारी में? तारी में भी खा सकते हैं, सहरी में भी खा सकते हैं। सहरी में इसलिए खा सकते हैं क्योंकि एक तो पोटैटोज हैं, हाँ, वो ज्यादा देर स्टमक में रहता है, एनर्जी, हाँ, देता है आपको, प्लस स्टफ तो उसमें चिकन भी है। बहुत होती है यार आलू से, ये बड़ा मसला होगा फिर। और चिकन है उसमें और वेजिटेबल्स हैं तो वो शायद हजम हो जाए जल्दी। अच्छा, वेजिटेबल्स से हजम हो जाएगा। अच्छा, और कैसे खाओगी? इसके अलावा अब हम बनाएंगे बरीटो, पर चावल की रोटी के साथ। चावल की रोटी के साथ, हाँ। ठीक है, जबरदस्त भाई। Yes. तो ये सब रेसिपीज को यूट्यूब वगैरह से देखती हो या क्या? मैं हूँ सिंधीना, तो हम लोग चावल की रोटी तो वैसे बनाते रहते, हाँ, मिक्स मैच करते रहते। जो बरीटो वाली रेसिपी है वो मेरी अपनी है। अच्छा, मैंने खुद इन्वेंट किया है। खुद इन्वेंट किया। मैं भी बरीटो बनाती हूँ घर में, मैं डॉन के पराठे के साथ बनाती हूँ, तो वो बड़ा मजे का, अंदर का जो पूरा डोसा स्टाइल होता है ना चावल का डोसा, हाँ, तो वो कुछ करके डोसा करके फिर वो बरीटो की स्टफिंग डालेंगे। ठीक है, मैं बरीटो की स्टफिंग आके पूछूंगी। तुम अभी कूटी कर रही हो, आज आप टेस्ट नहीं कर सकती ना? यस, कोई बात नहीं, घर ले जाऊंगी। अब कार में खा लूंगी। कैसे होगा ये कंपटीशन बगैर टेस्ट किए? ये ओके। ये हम नाज़रीन से पूछेंगे, बताएं किसकी रेसिपी अच्छी लग रही है। ऐसे होगा, देख के अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छा, और ये दो रेसिपीज कर रही हूँ, कुछ पीने के लिए भी। अलावा जी, हम बनाएंगे ब्राजीलियन लेमनेड। ये तो भाई फुल अंग्रेज आ गई है, क्या बरीटो बना रही है मैक्सिकन खाना। तो फिर मैक्सिका का होता है ना बरीटो? बरीटोस मैक्सिकन होता है ना, ज्यादातर। और अब ब्राजीलियन को ड्रिंक बना रही है। Yes. और वो क्या आलू के किधर है वो स्टफ्ड पोटैटो, किस जगह के? हैदराबाद के? मुझे ऐसा लगता है स्टफ्ड पोटैटो अमेरिकन है ना। और आज ये पूरी दुनिया के को इकट्ठा कर रही है एक चूल्हे के साथ। मैंने ना एक दफा किसी फ्रेंड्स से पूछा था, मतलब ये वैसे मैंने बहुत सारी मूवीज में भी देखा, बहुत फनी है कि जो हमारे यहाँ फ्रेंच टोस्ट बनता है वो फ्रेंच कहीं भी कोई फ्रेंच नहीं खाया होता है। होते हैं फ्रेंच फ्राइज, yes, हाँ, एंड फ्रेंच फ्राइज इज वेल, तो वो उन्होंने खाए हुए नहीं होते, वो हमारे यहाँ बनते हैं। तो हमने खुद ही रख दिया ना, हमारे सारे जो भी हम खाने बनाते हैं वो हमारा वर्जन है। मुझे लगता है इवन चाइनीज में भी ना, आप एक बहुत ऑर्थोडॉक्स चाइनीज खाना बहुत बोरिंग लगेगा पाकिस्तानी भाई। हमें चाइनीज खाना जो है ना, कभी वेस्ट में गए कभी खा लें पिज्जा? तो हाँ, बिल्कुल पतला होता है, बिल्कुल फाइन क्रस्ट होता है। हमने अपने हिसाब से चीजें बनाई है। यस, पाकिस्तानियों का अपना दिमाग है, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे थे, मतलब सीख कबाब स्टफ कर रहे हैं कोने में पिज्जे के, मतलब इटालियन ने सर फोड़ लिया अपना सीख कबाब, गफार पिज्जा, गफार पिज्जा। अच्छा, मैं मसाले बहुत डिफरेंट यूज कर रही हूँ, जैसे अनियन पाउडर है और जिंजर पाउडर है, ऑरिगैनो है, आप ये सब डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो थोड़ा सा अलग मसाले। चलो, तुम्हारी तरफ आएंगे रेसिपी की तरफ।